सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर सीयू गेमिंग में। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और गाइज बढ़िया रहना चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ओपी होने वाली है, क्योंकि गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने गोल्ड कॉइन को डायमंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जी गाइज आप लोग बिल्कुल सही सुने, अपने गोल्ड कॉइन को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज ये कोई भी हैक नहीं है, कोई भी फेक नहीं है, और गाइज ये बिल्कुल मैं आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो गाइज बहुत सारे बंदों के पास डायमंड नहीं होते तो वो कुछ नहीं ले पाते, जैसे आलोक हो गया, कोरोना हो गया, कोई सा भी कुछ भी नहीं ले पाते। बहुत सारे उन लोगों का होता है कि हमारे पास भी ये बंडल होता है, वो बंडल होता है, लेकिन डायमंड की वजह से उन लोगों के पास कुछ नहीं होता। तो गाइज आज आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, आज मैं आप लोग के लिए ऐसा ट्रिक लेकर आऊँ जिसकी मदद से आप लोग अपने गोल्ड कॉइन को डायमंड में कन्वर्ट कर लोगे, और जो चाहे वो स्टोर में से या कोई सा भी बंडल आप लोग ले सकते हो। तो गाइज उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एक लाइक कर देना, और गाइज वीडियो को एक शेयर भी कर देना, ताकि इसकी मदद से आपके फ्रेंड लोग जो है जिनके पास डायमंड नहीं होते वो भी गाइज अपने फ्री फायर में गोल्ड कॉइन को डायमंड में कन्वर्ट कर सके। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस आईडी में मेरे 3508 कॉइन है। तो गाइज मैं इसको डायमंड में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो गाइज आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, गाइज अपने फ्री फायर के सेटिंग में चले जाना है, और फ्री फायर के सेटिंग में जाने के बाद आपको क्लियर कैश कर देना है, और क्लियर कैश करने के बाद आपको नीचे सेंड रिपोर्ट भी कर देना है। तो गाइज जब तक सेंड रिपोर्ट नहीं होता आपको यहीं पर वेट करना, और अगर सेंड रिपोर्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना, और कट करके बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है गाइज। और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, तो गाइज स्क्रॉल करके मैं नीचे ले चल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन कुछ दिख रहा है, तो गाइज आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ऐप लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है गाइज, उस पर भी आपको सिंपली क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है गाइज, वहाँ पे आपको सर्च करना है फ्री फायर। जे गाइज आपको वहाँ पे फ्री फायर सर्च करना है, और गाइज जैसे मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो फ्री फायर सर्च करने के बाद आप देख सकते हो स्टोरेज यूज का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपको जाना है और क्लियर कैच कर देना है गाइज, और क्लियर डाटा नहीं करना है आपको, सिर्फ क्लियर कैच करना है, और क्लियर कैच कर देने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद फिर से अपने फ्री फायर में चले जाना है। तो गाइज फाइनली मैं अपने फ्री फायर में आ चुका हूँ, और फ्री फायर में आने के बाद आपको क्या करना है गाइज, अब आपको अपने प्रोफाइल में चले जाना है। जी गाइज आपको अपने प्रोफाइल में चला जाना, प्रोफाइल में जाने के बाद आपको क्या करना होगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। तो गाइज प्रोफाइल में जाने के बाद आपको क्या करना, आई लव फ्री फायर जहाँ पे लिखा होता है आपको वहाँ पे कुछ ये लिखना है गाइज, आपको लिखना है कन्वर्ट गोल्ड इंटू डायमंड। जी गाइज आपको बिल्कुल यही लिखना है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया कन्वर्ट गोल्ड इंटू डायमंड, और लिख देने के बाद आपको सेव कर देना, और सेव करने के बाद बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद आपको अपने लॉक रॉयल में जाना होगा, और लॉक रॉयल में जाने के बाद एक स्पिन कर लेना है। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक स्पिन कर लिया, और स्पिन कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा गाइज, अब आपको सिंपली फिर से अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में चले जाना है। तो गाइज फाइनली मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में आ चुका हूँ, आने के बाद आपको एंड्रॉइड पे क्लिक करना है, आप लोग वहाँ पे नीचे देख सकते हो एंड्रॉइड का ऑप्शन दिख रहा है। तो गाइज आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद OBB का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करना, और वहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हो टू डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे एक न्यू फोल्डर आपको बना लेना है, और बनाने के बाद आपको क्या लिखना है इसमें, कुछ ये लिख देना है कन्वर्ट गोल्ड। तो गाइज आपको यही लिखना है, और लिखने के बाद आपको क्या करना, कन्वर्ट गोल्ड लिख देना, और लिखने के बाद आपके पास जितना भी कॉइन है आपको इसमें फिल कर देना है। तो गाइज मेरे पास 3508 कॉइन है, तो गाइज मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं लिख रहा हूँ 3508 कॉइन, लिख देने के बाद इंटू डायमंड कर देना है इसको। तो गाइज मैं यहाँ पे स्पेस देके आपको दिखा देता हूँ, इंटू डायमंड कर दिया, और कर देने के बाद आपको क्या करना है गाइज, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो मैं यहाँ से सेव कर दिया, सेव करके फाइनली बैक आ जाना, और बैक आने जाना है, और बैक आने के बाद आपको क्या करना, फिर से अपने फ्री फायर में चले जाना, और फ्री फायर में जाने के बाद अपने फ्री फायर के सेटिंग में फिर से चले जाना, और सेटिंग में जाने के बाद आपको एक बार और क्लियर कैच कर देना है, और क्लियर कैच करने के बाद आपको एक बार फिर से सेंड रिपोर्ट भी कर देना है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं सेंड रिपोर्ट कर रहा हूँ गाइज, तो आप लोग फाइनली गाइज यहाँ पे सेंड रिपोर्ट हो चुका है। तो हो जाने के बाद आपको क्या करना, अपने गेम को लॉग आउट कर देना है। जी हाँ गाइज आपको गेम को लॉग आउट कर देना है। तो गाइज वीडियो को एंड तक बना रहना, कहीं पे भी स्किप मत करना। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं उसी आईडी को लॉगिन करूँगा जिस आईडी में मुझे गोल्ड को डायमंड में कन्वर्ट करना है। तो गाइज यहाँ पे मैं उसी आईडी को लॉगिन कर चुका हूँ, आईडी लॉगिन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऐड को कट कर देना। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं ऐड को कट कर रहा हूँ। तो गाइज आपको ऐसे ही ऐड को कट कर लेना, तो गाइज आपको ऐड को बारी बारी से कट करना। तो गाइज आप लोग जैसे ही ऐड को कट करोगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डायमंड जो है, सॉरी गाइज गोल्ड जो है मेरा डायमंड में कन्वर्ट हो चुका है गाइज, आप लोग के सामने मैंने लाइव प्रूफ करके दिखाया। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एक शेयर भी कर देना। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।